रामनगर पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अध्यक्षता में भी आज रामनगर पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। हर्षदेव का कहना था कि अगर बात करें रामनगर की तो अभी तक 20 कत्ल हो चुके हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के चलते ये प्रदर्शन किया गया है और मांग की जा रही है कि हत्यारों को पकड़ा जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। रामनगर में जिस तरीके से जंगल राज एक चल रहा है उसके विरोध में पैंथर्स पार्टी ने रामनगर पुलिस स्टेशन के बाहर आज धरना दिया है और डीएसपी और एसपी महोदय को उन केसेस से अवगत करवाया है जिनकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, जहां मर्डर्स हुए हैं, जहां हमले हुए हैं गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि वो पैसे वाले हैं और पहुँच वाले हैं और जो भी इस किस्म के क्रिमिनल्स हैं जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और पुलिस वाले भी उसको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ हमारी चेयरमैन है, ये चेयरपर्सन है जो मुरलीधर की, इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, इनको बद्दी बद्दी गालियाँ दी गई और इन्होंने जब यहाँ एक FIR लगाई तो उसको किसी ने भी उसकी जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लिया और उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अगर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो भी एक जो चेयरपर्सन है, इनका कसूर ये है कि ये एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और दलितों की खास तौर पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो गरीब है उसका कोई नहीं है और जो ये जो लोग हैं ये गुंडा एलिमेंट है जो ये किसी ना किसी तरीके से पुलिस के साथ मिलकर अपने खिलाफ सारे केसेस जो है वो खत्म कर रहा है और पुलिस जो है ऐसे तत्वों को शह दे रही है जिसकी वजह से रामनगर में माहौल जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। आज हमने यहाँ प्रदर्शन भी किया है, पुलिस स्टेशन के बाहर हमने धरना भी दिया है और उनको बतलाया है कि कैसे 20 से ज्यादा मर्डर्स रामनगर में पिछले 4 वर्षों में हुए हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जिनको मारकर दरख्तों के ऊपर टांग दिया गया लेकिन कोई इंक्वायरी उनकी नहीं की गई, इतनी दुर्गति उनके उनकी की गई है कि कोई भी शख्स जो है वो रो पड़ेगा उनकी हालत देख, लेकिन ये पुलिस वाले उन दोषियों के साथ ऐसा लगता है कि मिले हुए हैं और मिले हुए हैं क्योंकि मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि आप इतना बड़ा गुनाह के ऊपर भी पर्दा डाला जा रहा है पुलिस द्वारा। हमारा एक पार्टी के अहदेदारान थे धर्मचंद जो भगत बरादरी से ताल्लुक रखते थे और एक दिन वो यहाँ फॉर्म भरने के लिए अपना आए थे और रात को उनको मार दिया गया, उनकी डेड बॉडी मिली और उन्होंने शिकायत भी की थी परिवार वालों ने कि इन लोगों के ऊपर हमें शक है और बल्कि उन्होंने कहा था यकीन से कह सकते हैं कि इन्होंने ही मारा है, लेकिन उनको कहीं पुलिस थाने में बुलाया तक नहीं गया। जो
मर्डरर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यहाँ रामनगर में, और सियासी दखल अंदाजी इतनी ज्यादा है और इतने ज्यादा ये लोग पैसे वाले होने की वजह से भी पुलिस को खरीद रहे हैं या क्या हो रहा है ये तो पुलिस वाले बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ये हो रहा है कि 20 से ज्यादा मर्डर जो हैं उनके ऊपर पर्दा डाला गया और उनकी कोई भी कार्रवाई अभी तक कोई इंक्वायरी जो है वो रामनगर में नहीं की गई है, इस किस्म का जंगल राज पूरे हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं देखा जैसे यहाँ हो रहा है। ना केवल गुंडा एलिमेंट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको शह दी जा रही, खुलेआम शह दी जा रही, 10-10 FIR लगाने के बाद भी उनकी उनकी जो है वो कॉग्निजेंस पुलिस स्टेशन में नहीं ली जाती है। नशाखोरी का रामनगर अड्डा बना दिया है इन लोगों ने, नशा ये बेचते हैं, ड्रग्स ये सप्लाई करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व हैं। ये चंद लोग हैं जिन्होंने सारे रामनगर का माहौल खराब कर दिया है और सियासी शेल्टर भी इनको है और पैसा भी होने की वजह से पुलिस जो है वो इन लोगों को जो है वो पूरी शह भी देती है, इनका पूरा सहयोग भी करती है और जुल्म जो है वो गरीबों के ऊपर हो रहा है, ना केवल इन अपराधियों द्वारा बल्कि पुलिस द्वारा भी, क्योंकि आम आदमी की, गरीब आदमी की कोई भी सुनवाई रामनगर के अंदर नहीं हो रही है। और इसी संदर्भ में आज हमने रामनगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक धरना दिया और लोगों के अंदर जो एक रोष है, एक जो गुस्सा है उसका इजहार किया। रामनगर से साहिल गुप्ता के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर। We'll be right back.